चार पांच दिन के बाद मतलब हमने पूरा ओली घुमा। बस कुछ कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी केदारनाथ और बद्रीनाथ, क्योंकि वो भी इस टाइम पे खुला नहीं है, सो अभी हम वहाँ जा नहीं पाए। और रोड पे मतलब जाने का प्लान था बट वो भी क्लोज है, कुछ लोग कह रहे हैं है कुछ नहीं है, फिर जाने का फ़ायदा नहीं था। वैसे यहाँ से तो बहुत पास था, फिर भी हम डन यहाँ से कर रहे हैं अभी। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, माइट बी आज हम ऋषिकेश रुके या देहरादून, तो कुछ पता नहीं, डिपेंड करता है कि किस टाइम पहुँचते हैं, क्योंकि ऑफिस आज भी मेरा ऑफिस है, कल परसों ऑफ होगा। और उसके लिए अभी हम देख रहे हैं कि हमें किस डेस्टिनेशन में जाना है। अभी तो मतलब ये कि हम कहीं निकल रहे हैं, तो आज का स्टे हमें नाइट करना पड़ेगा, तो देखते हैं दोनों में से कहाँ करेंगे। और ब्लॉग में बने रहिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन जानने के लिए कि हम जाने वाले कहाँ पे हैं, क्योंकि अभी हम जाएंगे किसी होटल पर रुकेंगे, उसका डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। सो मिलते हैं जल्द। तो अभी हम पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। शुड वी स्टार्ट पैकिंग? या सो ये सब हमें पैक करना है अभी। मैंने ये कर दिया है, मैंने इसको सिखाया कि मतलब कैसे इसको पैक करते हैं। यू नेवर डन बिफोर राइट? बिफोर दिस ट्रिप नेवर, बट नाउ आई एम अ प्रो। नाउ शी इज बिकम अ प्रो। सो इसे पैक करते हैं, सो इसे पैक करते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं। सो भाई मेरी बाइक भी रेडी हो चुकी है, पूरी प्रॉपर पैक कर दिया हमने। और स्टीव, द बाइक इज रेडी, सी लेट्स गो। इवाना चैन लगाना जैकेट की। ₹10 ₹150 देगा। बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है। I like it when you call me Tomatina. सो भाई चलते हैं, हमने 10-11 तो यहीं बजा दिए। सो अभी सैवी गाड़ी चला रहा है और स्टीव बैठ रहा है। यहाँ पे रहते रहते मतलब इतना टाइम हो गया, गांव वाले जाने लगे थे शाम में, शाम को हम गांव वाले से मिलते भी थे, उन्हें घर पे जाना। सो मतलब पूरा हमेशा की तरह एक फैमिली वाला कनेक्शन, एक नीचे से दोबारा एक नई जगह पे कनेक्शन। सो इट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस यार यहाँ पे मतलब। और अभी जो फीलिंग आ रही है ना, मतलब बाइक पूरी रेडी, इवाना साथ में है, और मतलब बिल्कुल कोई डेस्टिनेशन नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस निकलना है अभी इतना पता बस। सो अभी तो हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर के अभी यहाँ से नीचे उतरने में हमें कम से कम 6-7 किलोमीटर नीचे उतरना है, उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत सही सा हाईवे मिलेगा। अभी तो पूरा पहाड़ पे ही हम लोग। सो चलते हैं, वीडियो कंटिन्यू करेंगे हाईवे के पास से, ठीक है? जब तक वीडियो में बने रहिए, और जिन्होंने वीडियो को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जर्नी को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आना जरूरी है ना। और अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं, जिसकी आईडी सेम ही है डाली ट्रैवलर बॉय, एंड ट्विटर पे भी डाली ट्रैवलर बी। ओके, जाने का दुख और साथ में आपको मज़ा भी आएगा ऐसे रोड पर ड्राइव करने का भी, सो यू विल नॉट गेट बोर भाई, ये फॉर श्योर बता रहा हूँ मैं कि आप अगर राइड करते हुए तो बोर तो गलती से नहीं होगे भाई, इस पर आपको मज़ा ही आएगा। इस पर थोड़ा दुख होगा जाने का, बस थोड़ी देर बाद फिर वही आई टोल्ड यू लॉन्ग अगो ऑन अ रोड। यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ रोड ऐसा बस मिलेगा आपको, ट्रक इनका तो मेरे को ऐसा लगता है कि आ जाओ मतलब हमारे साथ वापस चलो, ट्रक वाले लेके जाएंगे हमारे साथ चलो। देहरादून 288 किलोमीटर, ऋषिकेश 250। उतरते हुए वहाँ से नीचे ऐसे झिक 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 झिक, जैसे कि आपको ना मैप में दिख रहा होगा, मैप में देखो झिक 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 हो रखा है, ये देखो पूरा ऐसा ऐसा मैप हो रखा है। इसमें दिखा रहा है कि देहरादून के लिए हमें 7-8 घंटे लगेंगे, पर ही लगा लो से ज़्यादा ही लग सकते हैं, क्योंकि यार पता है वो नॉर्मल स्पीड लेके चलाता है, फिर भी हम बहुत सेफ जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये भी मेरे साथ में है तो यार मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता, थोड़ा सा होता ना यार, अकेला बंदा हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, अपनी जिम्मेदारी अपने आप, अपने चक्कर में किसी को और का कुछ हो कुछ गलत ना हो। सो वही है, देखते हैं अगर पहुँच जाए ठीक है, वरना रोड तो है ही सोने के लिए। मानना भाई प्रेफर से मानना, क्योंकि भाई लोग कभी भी एकदम से आपके लाइन में गाड़ी चला देते हैं, ऊपर से ट्रक वाले भाई कभी कभी होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना यार यहाँ पे। मैं सोचता कि यार यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसी जगह आपको बहुत मिलेंगे ऐसे
यहाँ पे टर्न करना, बस आप ये इन टर्नों से, टर्न से मतलब आपने केयरफुली गाड़ी निकाल दी, बाकी तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप आराम से निकाल लोगे। पर ऐसी कोशिश मत करना कि एक ही स्पीड में बिल्कुल ऐसे गाड़ी मोड़ने की सोच रहे हो, तो उसमें यार पता क्या, एक दो बार आप निकल जाओगे, तीन निकल जाओगे यार, कभी बुरे वक्त का पता नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो आप कंटिन्यू मान लो ऐसे निकाले जा रहे हो गाड़ी को, अब एकदम से कोई इसी लाइन में आ जाए तो आप ब्रेक मांगे कुछ में तो आप गिर जाओगे, बट आपकी स्पीड कम होगी, आप देख के चलोगे, हॉर्न मार के चलोगे, तो उसमें क्या होगा कि यार आप एटलीस्ट गाड़ी को संभाल सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप बैक पैक पूरा करके आ रहे हो, बाइक को पूरा मतलब बैग ही बैग है, तो समझ रहे हो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एक दो बार मज़ा आएगा, बट हाँ कहीं कहीं आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा फॉर द फन आपको थोड़ा बहुत करना है, तो आप पहले देख लीजिए कि यार यहाँ पे ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, या मतलब सिक्योरिटी देख लेना कि हाँ यार यहाँ पे भी कोई गाड़ी आ नहीं रही, तो आप ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे मोड़ के देख लो गाड़ी, हाँ भाई मज़ा आ रहा है गाड़ी मोड़ने में, कुछ इस तरह से। तो यहाँ टाइम लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा, हमेशा अच्छी जगह पे गाड़ी बहुत डिस्टेंस पर रखो इन सब से, पता क्या एकदम से पीछे करने में दिक्कत होगी आपको गाड़ी, ठीक है। दूसरा क्या है कि एकदम से इन्हें भी पीछे करना होता है, तो हमेशा मतलब गैप बना के चलिए। इस जगह पर तो हवा इतनी तेज़ चल रही है भाई, पूछो मत, शायद आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। यार ये पतली सी मतलब रोड है, तो इसलिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा ताकि ये सब निकल जाए, उसके बाद हम निकलेंगे। भाई कभी कभी लोगों को घंटे घंटे वेट करना पड़ जाता है इसके चक्कर में, बट टेंशन ना लो, हमें घंटा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लास्ट है ट्रैवलर और हम अपनी लोकेशन पे, ये देयर वी गो। सो वेट करना भी सीखना पड़ता है। या फाइनली फिर मस्त रोड पे। सो भाई अभी हम लोग यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, कह रहे सर चाय वाय पी के चलिए, मैंने कहा जब इतना बोल ही रहे तो चल ही देते हैं, वैसे भी मैं सोच ही रहा था रुकूँ कहाँ पे। सो ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम। सो ये लास्ट टाइम मेरी भैया ने हमारी हेल्प की थी मेरा लैपटॉप बैग बांधने में। हेलो भैया, भैया नाम क्या था भैया आपका? दिलबाग। ये अपना कौन से, ये रॉयल एनफील्ड कौन से एरिया में आता है? ये करण प्रयाग डिस्ट्रिक्ट चमोली में आता है। अच्छा करण प्रयाग वाले में, आइए टी, ओके टेक केयर, और याद रखना काम वाम चलता रहता है, आप मजे लो। ओके ब्रो मिलते हैं, इट वाज नाइस मीटिंग यू, ओके या यू टू ब्रो, टेक केयर। रॉयल एनफील्ड के शोरूम से रुद्रप्रयाग है 31, कर्णप्रयाग 1 किलोमीटर। सो भाई हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और पहले तो मैं कुछ खाऊंगा, मैंने अभी तो कुछ खाया नहीं है, बस चाय पी वहाँ पे भाई की रिक्वेस्ट पे। सो सबसे पहले कुछ खाते हैं, ये पूरा रुद्रप्रयाग गया है, और जो दो नदियों का मिलन यहीं पे होता है, तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया पिछली वाली, जिसने नहीं देखा सो पीछे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में हमने स्टे किया था। सो भाई हम लोग इस होटल में थे, गढ़वाल होटल एंड रेस्टोरेंट, जो कि रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में है। भाई 90 रुपये में हमने इतना अच्छा खाना खाया दोनों ने, आप पूछे मत, पूरा घर वाला, और मतलब बहुत हेल्दी फूड था। सो आप भी यहाँ पे आइए, खाना खाइए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। भाई खाना खा के जो एनर्जी आई है ना, वो नेक्स्ट लेवल की आई है, और अब ऐसी एनर्जी आई है, देखता हूँ कहाँ तक गाड़ी इस एनर्जी से जा पाती है। मतलब ये लगा लो इतना खा लिया है, शाम को खाएंगे। अभी देखो यार हमने 90 रुपये की एक थाली ली, और भाई भरपेट उसमें हमने खाना खाया, और हमें सिर्फ मतलब हम दोनों ने खाया, मतलब उसमें तो हमें 45-45 रुपये हमारा खर्चा आया, मतलब दोनों का टोटल हम दोनों खर्चा आया 90 रुपये, और उसमें हमने काफ़ी अच्छा खाना खाया। यार यहाँ पर तो रोड क्लोज रखा है, अभी 168 किलोमीटर बाकी है, काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पर, जाम से तो निकल गए, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना तो भाई कभी कभी ऐसा होता है घंटों रुकना पड़ जाता है, बट ये चलो इतना बड़ा काम नहीं था, सो 10 मिनट में ही काम हो गया हमारा। किलोमीटर सीसी के 68 पहुंच जाएंगे, कोशिश पूरी है देहरादून पहुंचने की। वो
पहुंचने का तो पहुँचा ही देंगे, पर थोड़ा चीज़ ये ना कि यार ऑफिस भी है मेरा, तो उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर ऑफिस का काम, तो इसलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अभी मैं भी नहीं पता है कहाँ पे गाड़ी रुकेगी, वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, चलते हैं आगे। हम ऋषिकेश में रुकेंगे आज के लिए, रात में स्टे करने के लिए, क्योंकि इवाना कह रही है कि ऋषिकेश में रुकते हैं यार। मैंने कहा ठीक है, जैसा कहो वहीं रुकेंगे। तो मेरे को भी मतलब क्या, थोड़ा सा काम है और वो थोड़ा थक गई है, तो ऋषिकेश में भी हम लोग होटल बुक करते हैं और वहीं पर रहेंगे आज। फिर प्लान भी कर लेंगे इस बहाने कि हम कल निकलना भी कहाँ पर है, हमको कहाँ निकलना है, मतलब अगला स्टेट कौन से जाना है। सो चलते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अब सीधा जैसे ऋषिकेश में एंटर करेंगे, ठीक है। लास्ट हमने लगाया था ओली में, और ओली के बाद हमारा पेट्रोल अब हुआ ख़त्म, फिर भर रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। कहाँ से आते साउथ? हाँ से दिल्ली डिसाइड कर लेंगे कहाँ पर रुकना है। ओ भाई वहाँ पर चाय नहीं, मैंने कहा चाय नहीं पहाड़ों में, चाय नहीं, मैंने कहा आपकी दुकान पर भी केस करते हैं हम लोग, मतलब मजाक में बोल रहे थे जी। कह रही बस अभी थोड़ा ख़त्म हो गया है, मैगी मैगी है, मैंने कहा मैगी तो पहाड़ों पर चाय के बिना अधूरी है। तो अभी देखते हैं कुछ आगे मिल जाए तो ठीक है। नच्ची हाँ मिल गया, चाय 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 चाय, नो चाय हेयर एज वेल, चाय 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 चाय, बढ़िया चाय, बढ़िया कड़क चाय, चाय 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 बनाओ चाय भैया। वहाँ पे बैठ गए थे, क्या नाम है यार, एक चाय वाले के पास में, वहाँ मैगी वगी खाने लगे। सो बात करते करते रात हो गई, तुम्हें पता है पहाड़ों पे जल्दी रात हो जाती है। सो भाई अभी हमने एक हॉस्टल देखा है, वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, और डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ कौन से स्टेट में जाना है, ठीक है। सो ब्लॉक करते हैं यहाँ पे, एंड होप आपको ये जर्नी काफ़ी अच्छी लगी होगी मेरे और इमाना की, और साथ में जो हमारे दोस्त हैं स्टीव और सैबी। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए थे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड स्टे सेफ, थैंक यू गाइज़।